अरे ये क्या कर रही हो निहारिका? अरे तुम्हें नहीं पता, इसे अबैकस कहते हैं। अबैकस ये क्या होता है? अबैकस से मैथमेटिक्स बहुत इजी हो जाता है। इससे हम कोई भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन इजी और फास्ट कर सकते हैं। अच्छा तो मुझे भी सिखाओ। तो चलो मैं तुम्हें अबैकस की क्लास में ही ले चलती हूँ। ओके गुड इवनिंग। सब लोगों को जैसे पता होगा कि इस बार टाइनी डॉट स्कूल के अंदर अबाकस एजुकेशन का प्रोग्राम रखा हुआ है। कुछ लोगों को नहीं पता होगा, मुझे पता है, और जिसको पता है उसको भी शायद कुछ नहीं पता होगा। तो सर ने ये क्यों बोल रहा हूँ वो पेरेंट्स को पता होना चाहिए, वो बाद में पता चल जाएगा आपको। अबाकस एजुकेशन क्या है, अबाकस अवेयरनेस क्या है और अबाकस का बेनिफिट क्या है, उसका नॉलेज नहीं होने की वजह से काफ़ी लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो हमने यहाँ एक ट्रायल बेस के ऊपर इस बार अबाकस का प्रोग्राम रखा हुआ था, जिसके बेनिफिट क्या है आप गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अबाकस। तो आपको बहुत सारे बेनिफिट उसको जाना दिया जाए, जान पाओगे आप। तो यहाँ जैसे हमने ट्रायल बेस पे सिर्फ एक छोटा सा डेमो लेके कि क्या अबाकस के बेनिफिट है, वो मैं आपको धीरे धीरे डेमो के साथ ही बताऊंगा। लेकिन मेरे कोई एक पेरेंट्स चाहिए, नीचे से कोई पेरेंट्स आ सकता है यहाँ? क्यों ऐसा ना लगे कि मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो वो बच्चों को रटा रटाया है इसलिए। ओके बच्चे रेडी, कोई एक पेरेंट्स प्लीज कोई भी आ जाइए, कोई एक पेरेंट्स चाहिए। ओके तो ये जो बच्चे हैं जहाँ बच्चों ने थोड़ी प्रैक्टिस की हुई है और उसके एट द एंड ऑफ द दो ढाई साल के बाद बच्चों के अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके अंदर इनमें से ही एक बच्ची ऐसी है जो ढाई साल से प्रैक्टिस कर रही है, इंटरनेशनल लेवल की कॉम्पिटिशन भी देके आती है। तो ऐसी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं इसके। तो रेडी सब लोग बच्चे रेडी? ओके बेटा आप बीच में आ जाना है आंसर कैसे, तो आ जा, आवाज ज्यादा आएगी। अच्छा ऑडियंस में भी बच्चे बैठे होंगे, वहां से भी आवाज आनी चाहिए, आएगी? हाँ रेडी है ना? ये तो मैंने कुछ बच्चे लिए, स्टेज की थोड़ी लिमिटेशन और बच्चों का भी थोड़ी लिमिटेशन है टाइम का, इसलिए तो ऑडियंस में से ज्यादा आवाज आना चाहिए। रेडी? टू टू माइनस थ्री फाइव, आंसर इज ऑडियंस में से आवाज आया। अभी देखो ऑडियंस में से पहले आवाज आना चाहिए। ओके कोई करेगा ना ऑडियंस में से, बच्चे बहुत सारे हैं उसमें। रेडी वन टू वन फाइव माइनस थ्री, आंसर इज ऑडियंस में से आवाज नहीं आया। कोई पेरेंट्स आया यहाँ? कोई एक पेरेंट्स आ जाओ ना सर प्लीज। ओके नेक्स्ट, टू टू फाइव माइनस थ्री टू वन, आंसर इज नाइन। ओके ये सिर्फ हमने ट्रायल बेस के ऊपर से लिया हुआ है। अबाकस के लॉट ऑफ एजुकेशनल स्किल्स है। अबाकस एक ऐसा एजुकेशन प्रोग्राम है जिसके अबाकस सबने देखा होगा, उसके बिड्स के ऊपर प्रैक्टिस करते करते हमारे बिड्स के ऊपर से ये हमारे सेंसेस एक्टिव होते हैं और सेंसेस से हमारा ब्रेन डेवलप होता है और ये ब्रेन हमारी एजुकेशनल स्किल जैसे कि लॉजिक है, इमेजिनेशन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, काफी सारी स्किल डेवलप करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा कंप्यूटर कैलकुलेटर से फास्ट कैलकुलेशन करता है। ढाई से तीन साल का पूरा अपना एक स्कूल के अंदर चलेगा प्रोग्राम, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। कोई पेरेंट्स अभी तक नहीं आया? एक भी राजे कोई भी सर प्लीज। ओके यहां से मिले ले तो बेटा आ जाओ, कोई भी कोई एक मैडम आ जाओ, आप आ जाओ। ओके आपका कुछ अबाकस का लेना देना है? नो ये कोई मेरा पहचान वाला नहीं है। ओके सर कोई भी क्वेश्चन के ऊपर उंगली रखो, मैं पूछता हूं। रेडी टू टू फाइव माइनस फोर थ्री, आंसर इज ए राइट। अभी इनमें से एक बच्ची ऐसी है, बेटा आप आगे जाओ। इस बच्ची को सर प्लीज, इसमें बच्चे फटाफट आंसर देते हैं इसलिए हमें कुछ आंसर के साथ रेडी रखना पड़ता है सीट। अगर कोई भी इसमें से आंसर देना चाहता है अपना मोबाइल नंबर भी दे सकता है तो हम फटाफट ये क्वेश्चन पूछेंगे। ये बच्ची सिर्फ थर्ड स्टैंडर्ड की बच्ची है, आपको ये कैलकुलेशन फास्ट करके बताएगी। बेटा आगे आ जाओ उसके पास।
कौन सा क्वेश्चन पूछे सर? 29 मैं पूरी रोज पूछूंगा सर, 20 रोज है इसके अंदर। अपने मोबाइल में कितने डिजिट आते हैं? 10 डिजिट आते हैं ना, कितनी बार बोलते हैं वो? किसी से मोबाइल नंबर लेना हो तो दो बार तीन बार पूछते हैं हम, फिर लेते, फिर भी बोलेंगे धीरे बोल, फिर से बोल। तो मैं यहाँ उसको 1 digit 20 rows पूछूंगा, 20 rows मतलब दो टेबल में दो मोबाइल नंबर पूछूंगा, उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करके ये बच्ची आंसर देगी। रेडी बेटा, रेडी? 6 3 5 7 2 4 8 1 6 9 6 8 3 7 4 5 2 9 6 1 आंसर इज 102 राइट। अब क्वेश्चन नंबर पर उंगली रखिए, वो कोई पूछता है। हाँ वो ऊपर वाले नंबर है, 33 वाला, 34। रेडी बेटा? ओके, 2 7 6 5 1 8 1 3 9 4 7 4 8 2 6 3 5 2 1 9 आंसर इज 93 राइट ये बच्ची को 99 तक भी टेबल आते हैं, ऐसा नहीं रैंडमली बीच में से पूछूंगा। जनरली हम 9 का टेबल भी बीच में से पूछे, 9 7 जा तो बच्चे क्या करते हैं, 9 1 जा, 9 2 जा, 9 3 जा, 9 4 जा बोलते हैं। सर ये सीट में देखिए, रैंडमली है, कोई भी पेज बीच में से ऐसा पूरा सीक्वेंस में नहीं है, बराबर है ना? ओके okay. तो कोई भी पूछिए, मैं उसको पूछता हूँ। बेटा रेडी है? 99 5 जा 495 91 4 जा 364 65 7 जा 335 कोई चेक कर सकता है, हो कैलकुलेटर लेके भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि 1 digit में ही। अब मैं 2 digit में भी पूछता हूँ, कोई भी पूछू नंबर बोलिए सर, बीच में से भी पूछ सकते हो, मैं ये पूछता हूँ बराबर 20 टेबल। रेडी बेटा? 41 30 27 80 72 आंसर इज 250 ओके राइट। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके अंदर कोई रटा रटाया नहीं चलता है, लोटो बेनिफिट से। और आपके स्कूल के जो मैनेजमेंट और ट्रस्टी जो है अपने रोहित सर, उनको बहुत सारा नॉलेज है। जब हमारे एरिया में कोई अबाकस भी नहीं जानता था ना, तब से वो अबाकस का नॉलेज रखते हैं। तो आप उन सर को भी कोऑपरेट कीजिए, अबाकस का जो प्रोग्राम चलता है उसके अंदर जो 2.5 से 3 साल का पूरा प्रोग्राम चल रहा है एज ए स्कूल प्रोजेक्ट की तरफ, तो उसके अंदर आप बेनिफिट लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वो